श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी सायंकाल का वक्त है, तो आज शनिवार के दिन मैं आया हूँ अपनी गौशाला में। तो ये देखिए हमारी गौशाला के बाहर कैसे प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, ये देखिए काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। तो मैं आज आपको अपनी गौशाला से दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास आजकल कितने गौवंश है। अब दिन के वक्त मैं जब भी आता हूँ गौशाला में तो सभी गौवंश घास चरने गए होते हैं, तो अभी मैं शाम के वक्त आज आया हूँ तो आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो ये देखिए आजकल हमें कुछ गौवंशों को गौशाला के बाहर ही बांधना पड़ रहा है, जिसका एकमात्र कारण यही है कि जो हमारा ये नया शेड बन रहा है तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें इतने गौवंशों को गौशाला के बाहर ही बांधना पड़ रहा है। तभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप भी इस गौशाला निर्माण कार्य में हमारी मदद ज़रूर करें। अभी हमारी गौशाला में कुछ दिनों पहले खोलीघाट साइड से 25 नए गौवंश आए थे, जिस वजह से यहाँ पे गौवंशों की संख्या बढ़ चुकी है और ये 80 से ज़्यादा गौवंश यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसी वजह से हमें इतने सारे गौवंशों को यहाँ बाहर बांधना पड़ रहा है। ये देखिए कुछ हमने यहाँ बांधे 8-10 और कुछ हमने इस साइड बांध रखे है, और जो हमारे सभी शेड है वो पूरे भरे हैं। ये देखिए पीछे तक इसमें गौवंश भरे हैं, बस 3 गौवंश हम यहाँ बांधेंगे, वो अभी घास चर के वापिस नहीं आए हैं, तो उसके बाद हम उन्हें यहाँ बांधेंगे। तो एक हमारे पास ये शेड है तो उसमें हम छोटे बछड़ों को रखते हैं इस वाले में, तो और ये वाला शेड तो ये भी पूरा भरा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें पैर रखने को आजकल जगह नहीं है, अभी अंधेरा है, अंधेरा होने की वजह से अभी आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए ये भी पूरा भरा हुआ है, जितने सारे बड़े गौवंश है वो हमने इस वाले शेड में रखे हैं। ये देखिए तो अब हमारी गौशाला में एक भी पशु रखने की जगह नहीं है, क्योंकि जो हमारी गौशाला की कैपेसिटी है तो ये 60-65 ही गौवंश रखने की है, तो इस बार हमारे पास कुछ ज़्यादा हो गए, तो जिस वजह से हमें इन्हें यहाँ बांधना पड़ रहा है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी गर्मियों का मौसम है, थोड़ा बारिश हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब सर्दियों में हमें काफ़ी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो तब तक हम वो शेड निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेंगे। तभी मैं आपको हर वीडियो में आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि आप ज़रूर गौ सेवा की मुहिम में हमारी मदद करें। तो इसी कड़ी में अभी कल के दिन हमारी गौशाला में विनय जट्टू जी खनेवली से और रविंदर मेहता जी ब्यूंथल से, उन्होंने भी हमारी गौशाला के लिए दान राशि भेजी है, तो वो राशि इस शेड को निर्माण कार्य करने में हमारे काम आने वाली है। तो वैसे मैंने आपको पिछले कल भी अपने इस नए शेड का व्यू दिखाया था कि ये हमारा बनके लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें हमें जो धन की आवश्यकता है वो फर्श पे कंक्रीट पड़ना है और ईंटें हमारे पास है, तो ईंटों की इसमें चढ़ाई होनी है, तो उसके लिए हमें सीमेंट बजरी इत्यादि की आवश्यकता है। तो इसी के लिए मैं आपसे पिछले वीडियो में भी ये अनुरोध कर रहा था कि आप भी इस गौ सेवा की मुहिम में हमारा सहयोग कीजिए और गौशाला के लिए कुछ ना कुछ अपनी ओर से डोनेट ज़रूर कीजिए। तो इन शीट के लिए मैं जय साहब और SDO साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो वैसे हमने ये यूज़ कर ली है, तो ये उनके सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है, जिसकी बदौलत ये हमारा शेड पूर्ण हो चुका है। तो थोड़ा बहुत इसमें कार्य बचता है, तो जो कार्य बचा है उसके लिए हमें आप सभी की मदद की आवश्यकता है। तो ज़रूर जो भी गौ सेवा में आगे आना चाहता है ज़रूर गौ सेवा में हमारी मदद करें, ताकि इन सभी गौवंशों को हम शेड के अंदर रख सकें। अब शेड में जगह ना होने की वजह से हमें इन सभी गौवंशों को बाहर ही रखना पड़ रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास जो शेड है, एक ये वाला है और एक ये है और एक ये है, तो ये तीनों ही शेड पूरे भर चुके हैं।
इसमें मतलब 60-65 ही गौवंश आ पाते हैं अगर हम इसमें रखते हैं तो। लेकिन इस वक्त तो हमारे पास 80 से अधिक गौवंश हैं, तो जिस वजह से हमें कुछ गौवंशों को बाहर ही रखना पड़ रहा है। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए इस शेड में बिल्कुल ये भरा हुआ है। इसमें हमने कुछ बड़े बड़े गौवंशों को रखा, 20-25 इसमें है और कुछ उस वाले में है और छोटे बीच वाले में है। और काफ़ी सारे गौवंश भी हमने बाहर ही बांध रखे हैं। तो अभी तो गर्मियों का मौसम है तो काम चल पड़ेगा, लेकिन सर्दियों में हमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो उससे पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये सामने वाले शेड को बना के तैयार कर लेंगे। ये आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहीं ये पास में है। और ये देखिए ये हमारा शेड है जहाँ पे हम अभी तक गौवंशों को रखते थे। तो आप सभी से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर हमारा सहयोग कीजिए और किसी भी रूप में ज़रूर मदद कीजिए। तो मैं एक बार फिर से पुनः रविंदर मेहता जी और विनय जगटू जी का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने गौ सेवा के लिए QR कोड के माध्यम से हमें दान भेजा है। तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आप सभी दोस्तों से भी हम यही अनुरोध करेंगे कि आप भी ज़रूर इस गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर सहयोग भागीदार बने। और आप खुद ही देख सकते हैं, आप गौशाला का विज़िट कर सकते हैं कि हम किस तरह से यहाँ गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। तो ज़रूर आप गौ सेवा की इस मुहिम में सहयोग कीजिए। तो मिलता हूँ आप कल के वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम। आप बने रहिए मेरे इस चैनल में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप एक बार फिर से मैं आपको पूरी गौशाला का व्यू देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स अभी रात का वक्त हो चुका है। तो ये देखिए रात के अंधेरे में भी इन हमारे गौवंशों को शेड के बाहर ही रहना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सायंकाल को दिखाया था कि हमारे जो अंदर वाले शेड है वो पूरी तरह से भर चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें पूरे गौवंश भर चुके हैं और जो एक्स्ट्रा गौवंश है 20-22 उनको भी शेड के बाहर ही रखना पड़ रहा है। क्योंकि इनको रखने के लिए अब हमारे शेड में जगह नहीं बची है, जिस वजह से ये 15-20 गौवंश है इनको हमने शेड के बाहर ही बांधा है। जैसे ही वो हमारा शेड बनके तैयार हो जाएगा वैसे ही हम इन्हें उधर शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये शेड भी पूरा भरा हुआ है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। देखिए अब हमारी गौशाला पूर्ण रूप से भर चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि आप हमारे इस गौशाला निर्माण कार्य में ज़रूर सहयोग कीजिए। तो ये देखिए तो आप ज़रूर इस गौ सेवा की मुहिम में हमारा सहयोग कीजिए। इन गौवंशों को हम बाहर ही रख रहे हैं अंदर जगह ना होने की वजह से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।